हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनविजिबल बाबा में। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। हेल एल्ड्रेड एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे जो कि अपनी छोटी सी उम्र में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर गए थे। 20 साल की उम्र में वो अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए थे और सब कुछ बहुत उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था। उनकी रिलेशनशिप अच्छी थी, उनकी फैमिली अच्छी थी, यानी कि उनकी लाइफ में सब कुछ ही अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो अपनी स्पीच देकर जब अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो कोई उनका एक्सीडेंट कर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी वो बहुत ही स्पीड में होती है, इस वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ही तगड़ा होता है। एक्सीडेंट में उनकी टांग टूट जाती है, उनका हाथ टूट जाता है, उनके लंग में पंचर हो जाता है और भी कई सारी उनकी बॉडी में सीवियर इंजरीज हो जाती हैं और वहाँ पे वो 6 मिनट के लिए लिटरली डेथ हो गए थे, यानी कि वो वहीं पे मर चुके थे लगभग 6 मिनट के लिए। लेकिन फिर डॉक्टर्स की टीम उनको दोबारा से रिकवर रिवाइव करती है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे वो 6 दिन के लिए कोमा में भी थे। जब उनको कोमा से होश आता है तो डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेन इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा ब्रेन डैमेज हो चुका है और आप कभी भी नहीं चल पाओगे ज़िंदगी में। ये सुनकर हेल की लाइफ एकदम ही अलग हो जाती है। वो एकदम ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये क्या हो गया मेरे साथ। आप अपने ऊपर इमेजिन करिए कि आपको कोई ऐसी बात बोले तो आपको कैसा लगेगा। तो वही सिचुएशन एकदम हेल के साथ हुई। लेकिन फिर हेल के दिमाग में एक बात आई। हेल को याद आया कि उनके एक मेंटर उनको एक बात कहा करते थे कि आपकी लाइफ में जितना भी बुरा हो, बुरे से बुरा हो, तो लेकिन आप उसके बारे में सोच के परेशान होइए, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम आप 5 मिनट दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते तो समझदारी यही है कि आप उसके बारे में बार बार मत सोचिए। तो उन्होंने 5 मिनट उस चीज़ के बारे में सोचा, बुरा फील करा, लेकिन फिर उन्होंने एक बात डिसाइड करी। उन्होंने बोला, या तो मैं व्हीलचेयर पर चलने वाला सबसे खुश इंसान बन के दिखाऊंगा या फिर मैं सही में चलने लगूंगा। तो वो फिर एकदम से नॉर्मल हो गए, वो हंसी मजाक करने लगे, इधर उधर की गप्पे शप्पे मारने लगे। तो डॉक्टर्स को लगा मे बी इनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, कि रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कि थोड़ी सी ऐसी हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, फिर हेल बिल्कुल ही मुस्तैदी के साथ वापस आते हैं अपनी लाइफ में और आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम मिरेकल होता है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर्स को एकदम रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। हल्के हल्के करके सब कुछ लाइफ में नॉर्मल होने लग जाता है। उनकी जो जॉब होती है वो भी अच्छी चलने लग जाती है। फिर वो अपनी जॉब में काफ़ी सेल्स के रिकॉर्ड्स ब्रोक करते हैं, मतलब काफ़ी हाई लेवल पर पहुँच जाते हैं। बिजनेस खोल देते हैं अपना, अपनी शादी हो जाती है उनकी, वो दोबारा से लाइफ में सेटल हो जाते हैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से। लेकिन फिर उनके साथ एक बार दोबारा से बहुत बड़ी घटना घटती है। सन 2007 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड पे, तो उसी टाइम पे उनका बिजनेस पूरा का पूरा डूबना शुरू हो जाता है। उनका बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो एकदम बर्बाद हो जाते हैं। हेल बताते हैं कि वो दिन के साथ साथ, हर दिन के साथ साथ गरीब पे गरीब पे गरीब होते जाते हैं। एक टाइम आता है बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। फिर उनकी बीवी उनको एक सलाह देती है, कहती है क्यों नहीं आप मेरे फ्रेंड से जाकर मिले। उनके फ्रेंड एक बहुत ही अमीर इंसान होते हैं, तो हेल सोचते हैं क्यों ना उनसे मिला जाए। तो हेल जब उनसे मिलने जाते हैं तो हेल उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं और बताते हैं कि मेरे को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो कोई आप मेरे को बिजनेस टिप्स दीजिए। तो जो उनके फ्रेंड होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आपको बिजनेस टिप्स की नहीं, आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो आपकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो वो बोलते हैं क्या, तो उनका फ्रेंड बोलता है कि वो 2 चीज़ें हैं कि आप रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करने के बाद कोई ना कोई एक किताब पढ़ें जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो या सेल्फ मोटिवेशन वगैरह पे हो। तो हेल को ये बातें बिल्कुल उठपटांग लगती हैं। वो कहते हैं यार मैं इससे तो बिजनेस की टिप्स मांगने आया और ये क्या बकवास कर रहा है। तो उनको उस टाइम तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आता और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर वो क्या सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो कहते हैं क्यों ना इन दोनों चीज़ों को ट्राई दी जाए। हेल ये बात भी अच्छे से जानते थे कि जो मॉर्निंग हैबिट्स होती हैं आपकी, वो आपको आगे तरक्की ज़रूर कराती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इन चीज़ों को एक ट्राई देके देखूं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि मैं खाली उन्हीं 2 चीज़ों के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं जब करूंगा तो मैं और भी चीज़ें ऐसी फाइंड आउट करूंगा कि जिन चीज़ों से इंसान सक्सेसफुल हो सकता है।
तो उन्होंने फिर खूब सारी रिसर्च करी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर लोगों के ऊपर, तो उनको 6 ऐसी कॉमन चीज़ें मिली हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर जो लगभग सभी करते थे। तो वो 6 चीज़ें क्या थी, उन्होंने उन 6 चीज़ों को फॉलो करा, दिन रात उनका एक पैटर्न बनाया और रोज सुबह उन्होंने वो सुबह अपनी मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर जब उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी तो वो $50,000 के कर्जे में थे, उनकी लाइफ अनहेल्दी थी, उनका घर कर्जे पे चल रहा था, उनकी यानी कि सब कुछ ही उनकी बर्बादी चल रही थी। लेकिन इन मॉर्निंग हैबिट्स के करने के केवल 2 महीने बाद, ओनली 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद उनकी इनकम एकदम डबल हो गई, उनका घर एकदम सेफ हो गया, उन्होंने अपना घर बचा लिया, वो इतने हेल्दी हो गए कि वो एक अल्ट्रा मैराथन भागे। हाँ जी, जो इंसान एक बार जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब आप चल भी नहीं पाओगे, वही इंसान ने अल्ट्रा मैराथन भागी इन 6 हैबिट्स को फॉलो करने के बाद। तो मैं जानता हूँ अभी आप सबके सब एकदम इंप्रेस हो चुके होंगे इन 6 चीज़ों से, आप जानना चाहते होंगे कि ये 6 चीज़ें क्या हैं। तो ये चीज़ें एकदम मिरेकल हैं, एकदम चमत्कार हैं, तभी हेल ने इस बुक का नाम रखा है मिरेकल मॉर्निंग। तो आइए जानते हैं इन 6 चीज़ों के बारे में। हेल ने इस चीज़ को याद रखने के लिए, इन 6 चीज़ों को याद करने के लिए एक वर्ड बनाया है, सेवर्स। सेवर्स, अब सेवर्स में पहला एस स्टैंड करता है साइलेंस, यानी कि आप रोज सुबह उठते ही सबसे पहले साइलेंस हो जाएं, यानी कि मेडिटेशन करें। ज़्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, उठते ही अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, अपने बेड के बगल में जो रखा होता है उस मोबाइल में देखते हैं, हाँ जी किसने मेरी फेसबुक की पोस्ट लाइक करी, किसने मेरा इंस्टाग्राम लाइक करा, ये वो, या तो सोशल चीज़ें देखते हैं, या फिर कुछ लोग उठ के अखबार वखबार पढ़ते हैं और फालतू की टेंशन ले लेते हैं कि आज यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आज वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आज इस नेता ने ये महंगाई बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, या फिर कुछ लोग टीवी की न्यूज़ वगैरह लगा के बैठ जाते हैं जिसमें नेगेटिव से भरी चीज़ें आपके दिमाग में ठूस दी जाती हैं सुबह सुबह। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। सक्सेसफुल लोग सुबह उठते ही सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से उनका मतलब ये नहीं होता कि वो एक स्पिरिचुअल है या फिर ये कोई भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ है। मेडिटेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लगभग सभी इंसानों को करनी चाहिए। अगर आप अपनी मेडिटेशन करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। मेडिटेशन करने से आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, यहाँ तक कि मैक्सिमम सारे के सारे CEOs और अमीर से अमीर लोग अब मेडिटेशन को अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण मानते हैं। फिर ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक टेक्निक है जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अफर्मेशन से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई भी बात अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली अपने आप को एक बात रिपीट करते रहना, यानी कि अपने माइंड को एक बात को रटा देना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो रीड करता है उस चीज़ को और अपने दिमाग में वो बात को बिठा लेता है कि हाँ जी मैं ये हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अपने आप को बोलो मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो आपका दिमाग अपने अंदर ये बात बिठा लेगा कि मैं अमीर हूँ। तो उससे आप रियलिटी में अमीर बन जाओगे, आपके दिमाग से वो सारी फालतू की नेगेटिव बातें निकल जाएंगी कि मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कभी भी ऊटपटांग बातें अपने दिमाग को मत बोलो, अपने दिमाग को हमेशा अच्छी बातें रिपीट करते रहो कि मैं अमीर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छे नेचर का हूँ, XYZ। थर्ड वी से मतलब है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक में आप इमेजिन करते हैं, अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझिए आप डांस करना चाहते हैं, तो आप इमेजिन करिए कि मैं डांस कर रहा हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, लो मैंने ये वाला स्टेप करा, मैंने वो वाला स्टेप करा। तो उससे क्या होता है, हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे ऑथर ने अपने साथ करा, ऑथर जब इमेजिन करते थे कि मैं मैराथन में जा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, जूते पहन रहा हूँ, मेरे चेहरे पे एक स्माइल है, मैं ऐसे भाग रहा हूँ, मैंने ये कलर का कपड़ा पहना हुआ है, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, तो विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप अपनी फील्ड के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ई से होता है एक्सरसाइजेस। हेल बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाता है, जो पूरे दिन आपको अपनी ज़िंदगी से लड़ने के लिए हेल्प करता है।
तो आपको क्या करना है एक्सरसाइज करने के लिए? आपको ये नहीं है कि आपको जिम जाना जरूरी है, कि आप जिम में जाके ही एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज आप सिंपली भी कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, या फिर कहीं पार्क वगैरह में जाकर वॉक कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, वो ऐप है 10 Daily Exercises, जो आपकी आई थिंक 5 से 15 मिनट के अंदर हो जाती है। तो आप बिना किसी वेट के, बिना किसी जिम जाए, आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिफ्थ है आर, यानी कि रीडिंग। हेल बोलते हैं कि आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। रीड करने से मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या कोई भी आलतू फालतू कोई नॉवल वगैरह रीड कर रहे हो। रीड करने से मतलब है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन की किताबें। जैसे कि लगभग आपने देखा ही होगा कि जो आपको किताबें इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि ये किताबें जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, मिरेकल मॉर्निंग, और भी कई सारी ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी। रीडिंग करने से क्या होता है कि आपको एक हैबिट पलती है, जो आपके एक साइकोलॉजिकल है ये बात, कि जो बात आप पढ़ रहे हो तो आपके वो दिमाग में छपती है। और इन बुक्स में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए कुछ बुक्स ही काफ़ी हैं। और आप इमेजिन करिए कि अगर आप रोज़ सुबह उठकर किताब पढ़ेंगे तो आपकी तो निकल पड़ी। लास्ट आता है एस फॉर स्क्राइबिंग, यानी कि राइटिंग। राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन इफ आपने कभी नोट किया होगा कि आपको जो बातें सुनाई देती हैं या आप पढ़ते हो, वो कई बार आप भूल जाते हो, लेकिन जो बात आप लिख दो कहीं पे, तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके बैठ जाती है, तो आपके माइंड पर उसका बहुत तगड़ा असर होता है। हालांकि मेरी आप बात देख लीजिए, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरे से जो चीज़ें याद नहीं होती थी, मैं उनके आंसर लिखता था दोबारा से एक रफ कॉपी में। जब मैं लिखता था तो उसके बाद वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती थी और मैं उसी चीज़ को जाके एग्जाम में लिख के आ जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें लिखेंगे, आप अपने ड्रीम्स लिखेंगे, आपको क्या करना है लाइफ में वो लिखेंगे, तो आपको काफ़ी मदद होगी। जैसे कि लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि मेरे को अमीर बनना है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेरे को कितना अमीर बनना है, कितने पैसे चाहिए मुझे, कितने टाइम में चाहिए, एक्स वाई जेड। तो लोगों का यही है कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, ये पता ही नहीं है कि जी क्या उसकी क्वांटिटी है, किस लेवल पे बनना है, कहाँ पे बनना है। तो वो चीज़ें मत करिए। आप पूरा का पूरा प्रॉपर लिखिए, एक नोट पैड लीजिए, उस पर ए टू जेड सारी चीज़ें लिखिए कि मेरे को ये पाना है, मेरे को ये पाना है, मेरे को इस तारीख को ये चाहिए, मेरे को उस तारीख को वो चाहिए। अपने लिए टारगेट सेट करिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। इवन इफ काफ़ी बिलियनर्स बोलते हैं कि लिखने की आदत, एक कॉपी मेंटेन करके हमने जो चीज़ें उसमें लिखी, उससे हमें बहुत हेल्प मिली आगे सक्सेसफुल होने में। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने आपको बताई हैं मिरेकल मॉर्निंग बुक से। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से कि आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप मेरे गोल में भी मेरी मदद करें। हमारा गोल यही है कि आप हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करें, तो आप उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर एक ना एक जगह ज़रूर शेयर करें, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, या कोई और जगह। आपका बहुत बहुत थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना करा हो तो, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।